दिल्ली विधानसभा लिए चलते हैं। आतिशी यहाँ इस वक्त बोल रही है। दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए हैं। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। जर्जर टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अंधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई हो। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता।